तो हीलिंग के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बिफोर स्टार्टिंग समबडीज हीलिंग हमें अपने पास में उन चीजों से वेल इक्विप्ड होना चाहिए. दैट इज सॉल्ट वाटर बॉल नंबर वन. सेकेंड, और उससे पहले भी एक हीलिंग रिक्वेस्ट, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है. जब हम हीलिंग करने लगे तो सॉल्ट वाटर बॉल हमारे पास में होना चाहिए. और जिसने भी हीलिंग रिक्वेस्ट की है, मतलब दैट पर्सन शुड बी इन फ्रंट ऑफ अस, मे बी अ फोटोग्राफ और व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल जो भी है उसके सामने, आपके सामने होना चाहिए. और दैट पर्सन शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट? आपने उसको अपने सामने एनर्जी फील्ड में इन्वोक करना है, चक्रास को स्कैन करना है. जो भी चक्रा नॉर्मल है 4 to 6 की रेंज में, उनको जस्ट फ्रेश करना. फ्रेश करने का मतलब हल्का सा क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड. जो चक्रास क्लटर्ड हैं उनको डीप क्लीनिंग की जरूरत होगी. डीप क्लीनिंग किया, क्लीन जो भी जैसे भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ आप वो सॉल्ट वाटर डिस्पेंसर में ही, मतलब बाउल में ही डालेंगे. उसके बाद में री स्कैनिंग ऑफ, री मेजरिंग ऑफ अ चक्रा, कितने चक्रा हैं. अगर चक्रा बैलेंस लेवल पे आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो भी ज्यादा क्लटर्ड है उसको फिर से क्लीन करें, राइट? उसके बाद में आपने अपना एनर्जी को लिफ्ट किया, एनर्जी को प्लेस किया, डिस्कनेक्ट किया. लेकिन जब भी आप फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टिल द लास्ट, आपकी टंग टू पैलेट रहेगा हमेशा, जीभ तालू के साथ में लगी रहेगी. राइट? और फिर डिस्पेंसर का जो भी पानी है वो आप कमोड में फ्लश करेंगे, रिंस करेंगे, हाथ अच्छी तरह से धोएंगे. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग. सेकेंड वे इज आप सिर्फ एनर्जी को सन को अपने सामने एज्यूम करके नेगेटिविटी को उसमें थ्रो कर रहे हैं. दिस इज द सेकेंड वे. एंड रेस्ट आर द स्टेप्स आर एज इट इज, जैसे कि हमने पहले फर्स्ट केस में बताया था. कोई क्वेरी इसमें? मैम, क्लीनिंग अगर ज्यादा करनी है तो ज्यादा कितने स्वाइप होंगे, जैसे क्लटर्ड होते तो? मैम देखिए, आप हर एक का क्लीनिंग करने का ढंग, हर एक का क्लीनिंग, अपनी एनर्जी बहुत डिफरेंट रहती है, हर किसी की डिफरेंट रहती है. मेरी एक बारी की क्लीन आपकी, हो सकता है मेरी एक बारी की क्लीन आपकी 5 बारी के बराबर हो, या आपकी 5 बारी की क्लीन उनकी 7 बारी के बराबर हो. इट वेरी. सो जब आप क्लीन कर रहे हो तो आपको फर्क पता चलता है अपने आप में, राइट? वो चीज को समझना होता है पहले. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्योंकि अभी कन्वर्टकर हम सर, अपनी क्लीनिंग करते तो हमें पता ही नहीं चलता, क्लीनिंग कुछ फील मतलब नहीं आती ना अभी। नहीं तो फील वो आप देखिए, वो नहीं आती तो आप और करके देखें. और आप ये समझें कि आपको सपोज ये प्रॉब्लम, एक्स प्रॉब्लम के लिए अगर ये वाला चक्रा इम्पैक्टेड था तो आपने उस चक्रा की कितनी बड़ी स्वीप्स करी तो आपको कुछ समझ में, मतलब वो चीज कुछ फील कर पाए. सो इन दिस वे यू आर ऑल्सो इवेल्युएटिंग हाउ फास्ट इज योर हीलिंग. और इट्स नॉट द मैटर ऑफ इवेल्युएशन, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग. इट इज मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपकी एक स्वीप या दो स्वीप या 10 20 कितनी स्वीप्स आपको चल रही हैं एक चीज को क्लियर करने में, राइट? प्रोसेस इज सेम, बट द इंटेंसिटी ऑफ क्लीनिंग इट मे वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या स्टेज है, क्या स्टेट है, राइट? उसके लिए अगेन मैंने स्टेट स्टेट बताई थी. सभी चीजें मैटर कर रही हैं.
आपका इन्फॉर्मेशन, आपका उस चीज को कितना बिलीफ सिस्टम है, आपकी आस्था श्रद्धा सब कुछ मैटर कर रही है उसके लिए, आपकी प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज देयर, राइट? यस बलवंत सर, अपने क्लीनिंग के लिए एक तो बाउल वाला नमक वाला है ना, और दूसरा भी आपने बोला कि सन के उसमें भी हम ग्रो करते हैं, नेगेटिविटी एक्सेस के होते हैं। सर आपकी आवाज ना बीच में डिम हो गई है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हेलो आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो एक दो अल्टरनेटिव मेथड है ना, एक तो हम क्लीनिंग करके बाउल में डालेंगे ना, सॉल्ट बाउल, जी जी एंड अनदर अभी बताया आपने कि सन को इमेजिन करके सन पे भी थ्रो कर सकते हो, राइट? बोथ बोथ द सिस्टम आर वर्किंग, राइट? वेरी गुड, क्योंकि राइट, ये नहीं मुझे पता था पहले का, ये सन वाला नहीं पता था। नहीं सर ये बताया सभी को था, लेकिन प्रैक्टिस जो है ज्यादा हमने सॉल्ट वाटर की करवाई, क्योंकि टू स्टार्ट विद इट वेरी डिफिकल्ट कि हम किसी चीज को एज्यूम करें और कंसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूअसली उस चीज को ही एज्यूम करे रखें थ्रू आउट द क्लीनिंग प्रोसेस। अगर हमने चक्रास को क्लीन करना है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, हम सभी चक्रास को जब तक क्लीन कर रहे हैं सन को इमेजिन करते रहे, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, Maybe. राइट? तो Whereas इसलिए here it's प्रैक्टिस जो physically and करवाई थी physically possible. वो प्रैक्टिस जो करवाई थी वो सॉल्ट वाटर में करवाई हाँ, मैंने जो भी थी। मैम की थी लास्ट सॉल्ट वाटर। में उसको कट भी करना था। हाँ जी बिल्कुल करना था मैम, डिस्कनेक्ट करेंगे आप वो आपने सबसे पहले क्या किया, टांग टू पैलेट है, आपने सारा स्कैनिंग किया, चक्रास का क्या साइज है वो देखा, उसके बाद में आपने क्लीनिंग किया, क्लीनिंग करने के बाद में आपने एनर्जाइज किया, क्लीनिंग करने के बाद में आपने चेक किया, अगेन रीमेजर किया चक्रास का साइज क्या है, जो कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लगती है, सपोज कुछ ज्यादा क्लटर्ड है उसको फिर से रीक्लीनिंग किया, उसके बाद में यू रीचेक दैट चक्रा, उसके बाद में आपने एनर्जाइजिंग किया, डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने का मतलब कट करना, फिर डिस्पेंसर में जो भी मतलब आपका तो सॉल्ट वाटर बाउल है उसका जो वाटर है आपने कमोड में फ्लश किया, उसके बाद में अपने आप अपने हैंड्स को क्लीन किया, एंड दैट्स ये एक प्रोसेस आपका पूरा होगा, राइट? यहां तक के लिए कोई क्वेरी? और यूजली जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनका मेजरली थ्रोट चक्रा इज इन्वॉल्व, मेजरली इनिशियल डेज में थ्रोट और फिर बाद में लंग्स, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ओनली, बट उसके लिए हमें लोकल क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। बहुत रेयर केसेस में हमें स्टोमक का भी प्रॉब्लम मिलता है, स्टोमक के लिए भी लोग कंप्लेंट करते हैं कि स्टोमक में प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत रेयर केसेस में उनको साथ में मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो सिम्टम्स मेरे को कोरोना पेशेंट्स के आए हैं सामने, उनको ऐसा लगता है कि उनको पेट में मतलब इट्स लाइक गैसेस इवेपोरेट हो रही है, पेट के अंदर से उनको गर्मी हीटेड लगता है, दिस इज व्हाट वन ऑफ द पेशेंट कंप्लेन की, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेट के अंदर से गैसेस जैसी निकल रही हैं। तो इस केस में मैम मणिपुर चक्रा का क्लीनिंग। यस तो यस जो जो प्रॉब्लम्स आप पेशेंट से पूछते हो उसकी सबसे पहले आप उसको स्कैन करने से भी पहले उसके उसको पूछो उसको प्रॉब्लम क्या लग रही है, राइट? जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो हम उनको लोकली क्लीन करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन उनके चक्रास को भी हमें मेजर करना है, चक्रास को मेजर करके चक्रास को रिक्वायर्ड वे में हमें क्लीन करना है, दैट इज इक्वली इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? और फिर जिस तरह से जैसे अभी कल मैंने भारती जी को किया क्लीन अच्छी तरह से, तो उनका प्रॉब्लम था उनको सर में दर्द हो रहा था, उस क्लीनिंग से पहले कुछ और सिम्टम्स थे, क्लीनिंग के बाद में वो सारे सिम्टम्स वैनिश हो गए, उनको फिर सिर्फ हेडेक था उस टाइम पे,
हम जब एनर्जी को निकाल रहे हैं बाहर या जो भी नेगेटिविटी हम कहीं पे भी भेज रहे हैं, उसके बॉडी में से डीप रूटेड होने के बाद में जब वो निकलती है उसके कुछ अपने इम्पैक्ट्स भी रहते हैं बॉडी के ऊपर। निकलते वक्त कोई भी घर से निकलते वक्त किसी कोई बहुत देर से घर में रह रहा है उसको आप जब पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा कुछ शोर मचाएगा ना, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी के अंदर, होती है। बट वो कुछ नहीं, उसमें क्या है कि वो उसको लोकली क्लीन कर दीजिए बाहर। भारती मैम आप बताएं, जब कल क्लीनिंग जब आपकी करी उसके बाद में आपको सिर्फ हेडेक हुआ बाद में थोड़े हाँ जी, मेरा सर जकड़ गया था जब सारा क्लीन हो गया था तो। हाँ है ना, तो फिर उसको जब क्लीन करते ही वो चला गया वहां से, हाँ फिर वहां से हल्का हो गया। राइट। सो अगेन हमें हमने चक्रा स्कैन किए और फिर एक बारी जो ऐसे पेशेंट्स हों जो मतलब परेशान है काफी, उनको आप फिर से री स्कैन कर सकते हैं या क्या प्रॉब्लम है, या यू कैन आस्क देम कि क्या आपको अभी फिजिकल बॉडी में क्या फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, बोथ द वेज यू कैन डू। राइट। मैम जैसे हम जब सबकी क्लीनिंग करते हैं, जैसे किसी का अब स्टमक की प्रॉब्लम या थ्रोट की है, तो हम उनको हम श्रीम जैसे थ्रोट उस मंत्र से भी एनर्जाइज कर सकते हैं बिल्कुल या? कर सकते हैं मैम, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग। आपको आपके पास में एक स्पेक्ट्रम ऑफ वो कलर्स रहता है, वैसे ही आपके पास में पूरे रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं विद यू। आपके पास में श्रीम हम है, श्रीम यम है, राइट, इस तरह से करके आपके पास में बीज मंत्र सारे हैं, ठीक है, उनसे भी आप ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? बलवत्र सर आपका हैंड रेज भी है यहाँ पे। सॉरी सॉरी मैंने उसको उतारा, ओके ओके वेरी सॉरी। मोहन सर आप दो बताएं। क्वेश्चंस मैम, इट्स वेरी क्लियर एंड ओके सर, ओके एब्सोल्युटली। गौतम सर आप। I am feeling little blank. I am just listening to everyone. ओके I was being told that there will be practical demonstration after 3 days, so I am waiting for that. तो आप सर ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही था ये भारती जी का, एंड आज तो सिर्फ भारती जी एंड नीरू मैम नहीं, ज्योति ज्योति मैम थे, राइट। ज्योति तो इनकी जो भी, ज्योति मैम आप कैसे फील कर रहे हैं आप? मैम बहुत बेटर है। कितने परसेंट? बहुत 80%। गुड, थैंक यू मैम, एब्सॉर्ब करें, ठीक है। तो किसी और की कोई भी क्वेरी? नहीं, मैं वो गौतम जी जो पूछ रहे हैं मैं वही क्लेरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि गौरव जी ने बताया है कि 3 दिन हम कोरोना का फोकस रख के ये प्रैक्टिकल कैसे इम्पैक्ट बता रहे हैं, और बाद में वो थियरी उनकी भी हो जाएगी, क्योंकि मेरी तो हुई है ना 2-3 बार, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गौतम जी को ये जरूर क्वेश्चन आएगा ये क्या हो रहा है। तो वो तीसरे चौथे दिन पे उनको पता चलेगा, फिर वो प्रैक्टिस करेंगे, तो मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया है सब, थियरी हाँ, नहीं इनका प्रैक्टिकल जो पहले हो गया। हाँ इनका जो सेशंस होंगे वो तो रेगुलर क्लास में होंगे ना, सिक्स नहीं, राइट 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 6 7 days का, तो वो जब तक करेंगे नहीं तो ये वाली। आवाज आवाज आपका आवाज 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 म्यूट हो गया, इधर रेड बता रहा है। बीच में हाँ कॉल आ बिल्कुल, गया है कोई तो फिर वो बंद हो हाँ जाता है, अच्छा अच्छा कोई बात कोई बात नहीं, ठीक राइट है। तो इस टाइम वो फिर ऐसे ही लगता है कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, जैसे हम भी कभी सोचते थे ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट चीजें सभी एग्जिस्ट करती हैं और होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है मैडम, मैम भाट मैंने 1 मिनट ले कंप्लीट, हमने एक ईशा योगा का कोर्स किया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन उसको आप बाहर रख के आइए। तो क्या होता है, हमको पहले वाली चीज सैनिटाइज करना चाहिए, रिकी ये वो जो भी सीखा हुआ है ना उसको सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी वहीं से शुरुआत करता है, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने तो करुणा रिकी किया, मैंने भी रिकी किया, तो
तो आदमी उसी तरह से देखने चला जाता है ना। जैसा अभी मैं फ्रेंच सीखूं आज, तो फ्रेंच के पहले मैं उसको इंग्लिश से टेस्ट करूंगा, मराठी से टेस्ट करूंगा, गुजराती से टेस्ट करूंगा, तो ये सब भूल जाना है हम। तो वो एक होता है प्रोसेस हर एक के उसमें। सॉरी आई सर, उस इंसान को सिखाना बहुत इजी होता है जिसने कुछ नहीं पता हो, कुछ नहीं सीखा होता है, बराबर नहीं सीखा नहीं, जिसको कुछ, जिसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं भी की होगी ना, उसको आप उस कॉन्सेप्ट को आपको इंट्रोड्यूस करना हो तो इट्स वेरी इजी उसको कुछ बताना, समझाना, सिखाना, रादर देन उसके जिसने सब कुछ किया हुआ है उसको फिर बहुत सारे लॉजिक्स पीछे लग जाते हैं, ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। सबमिशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ, शायद जितना हमें सीखना चाहिए उससे ज्यादा सीख पाते हैं। उसमें दोनों प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीज है, मतलब और भी चीज किए हैं तो आपको जल्दी भी समझ में आता है, कुछ निगेटिव भी हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं, राइट। इसलिए भूलना जरूरी है पहले बार। जी मैम क्वेश्चन है, जो सर ने कहा ये जो एनर्जाइज करना थर्ड स्टेप, तो एनर्जी कितनी देनी है, उसकी बैलेंसिंग वो कैसे पता चले हमें कितना उनको एनर्जी एनर्जाइज करना है? मैम आपने श्री मंत्र से एनर्जाइज करना है और एनर्जी कभी ओवरडू नहीं होती, ये बीज मंत्र की एक काबिलियत है, एक इंटेलिजेंस है कि आप जब एनर्जाइज करते हैं बीज मंत्र से ये कभी ओवरडोज नहीं होते। जैसे आपने एक के बजाय तीन एंटीबायोटिक्स इकट्ठी खा ली तो वो परेशानी होगी, बीज मंत्रास के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, वो आपके रिजर्वर्स में चले जाएंगे, आपको जो नीड जब नीड होएगी वो निकल, मतलब आपको हेल्प कर देंगे। ये एक बहुत डिफरेंट और बहुत ये पूछ रही, हाँ जी आप बताएं कि हम लोग आप एनर्जी हमें भेज रहे हैं तो कितनी देर तक भेजेंगे, मतलब अब आप तो बहुत जल्दी भेज देते हैं, हम लोग कितनी देर में भेजें कि ऐसे लगे कि वो चली गई या कुछ थी? मैम जी ये आपको ना चीजें प्रैक्टिस के साथ में खुद पता चलेंगी। आपको सबसे पहले बोला जाता है, सबसे पहले जिस चीज के ऊपर, मतलब मैं सबसे ज्यादा टाइम सभी जितने भी सीखने वाले होते हैं उनका लगवाते हैं कि आप सिर्फ एनर्जी को फील करें। पहला तीन दिन इसी चीज में लग जाते हैं, जब तक आप वो फील नहीं करते ना तो आपको पता नहीं चलता कि कितनी देनी है, कैसे देनी है, कब, मतलब वो सब चीजें आपको तब फील होती हैं। आपको अपनी हाथ में से वो एनर्जी फील होती है जाते हुए, ये मैं फील करती हूँ बहुत अच्छे से। तो जब तक वो एनर्जी वहां पे है आपको वो एनर्जी देनी होती है, ठीक है, वो आप फील कर सकते हो एनर्जी। चीज कर रहे हैं इतनी हिंदी में हम बोलते हैं परफेक्ट, बहुत अच्छा होता है कि अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं थोड़ा अंग्रेजी एनर्जी, अगर हम उसको ऊर्जा बोले, आप एक वर्ड यूज करते हैं बहुत अच्छा लगता है कि आपका भाव कैसा है, तो भाव बोलने से ना इट हैज गॉट अ फैंटास्टिक मीनिंग कंपेयर टू फील। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हमारे साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि हमारे मिक्स्ड जो है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग हैं, कुछ लोग हिंदी स्पीकिंग हैं, तो ये जो मिक्स्ड में है ना, थोड़ा सा मिश्रित भाषा में थोड़ा सा सभी को अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाती है। right. बस इतना सा है जी। गौतम सर आप कुछ कह रहे हैं? I wanted to ask like the person who is giving healing, like for example I want to give healing to someone but I myself am having fever or any kind of issue, so in that case is it right to give healing to anyone or no? Okay. No, jab hum buy and travel karte hain to wo bolte hain na pehle mask khud pehniye phir dusre ko pehnaye, to pehle aap khud clean ho jaiye फिर दूसरे को क्लीन हील करें। ओके एंड सपोज अ पर्सन इज अ डायबिटिक, सो कैन अ डायबिटिक गिव हीलिंग टू एनीवन? यस ही कैन। ओके
डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, इट्स अ डिसऑर्डर. ओके ओके ठीक है. ओके थैंक यू. उसका कोई वो नहीं है. ठीक है तो मैम बताएं कितने दिन, मैम हम कितने टाइम बाद, मतलब 5-6 दिन के बाद हम दे सकते हैं, एनर्जी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वीकनेस है बहुत ज्यादा, उठा बैठा नहीं जा रहा ढंग से, तो हम एनर्जी को. हाँ जी ओके. हाँ जी मैम. तो मैम आप, आपने अगर किसी को एनर्जाइज करना है, आपने हील करना है किसी को. हाँ जी पहले मैम आप खुद ठीक हो जाओ. नहीं नहीं है. पहले आप खुद ठीक हो है, फिर क्या करिएगा उनको. ठीक है पहले आप खुद अभी वीक हैं काफी. हाँ जी. हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है? उनको कोरोना हो गया मैम. कोरोना हो गया है तो उनको आप यहाँ सेशन में क्यों नहीं लाए, हम उनको थोड़ा सा हेल्प कर देते. तो मैं अभी दे देती हूँ. अभी हाँ अभी दे दीजिए, कोई बात नहीं, हम उनको कोशिश करते हैं कुछ हेल्प करने की उनको, क्योंकि जब तक आप हीलिंग रिक्वेस्ट के लिए बोलेंगे नहीं हम करेंगे नहीं. गौतम सर बताएं. हाँ नहीं हो गया मेरा क्वेरी क्लियर. ओके I have a question for Gaurav ji. क्या हुआ? एक मिनट बंदा, क्या हो गया? I have a question for Gaurav ji. Can I? Yes, yes, please. Doctor sir. So the my only question is the only right there too. I want to know whether chanting also is okay and only writing need to be done, and then put the energy. You can chant and then transfer the energy. Is it okay? It's not okay. Sir, for you it's okay. For me it's okay. Fine. Okay. For you it's okay. जी मैम. नहीं आ रहे हो, कोई बात है ना. इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ठीक है चले. एनी अदर क्वेरी? नो क्वेरी. मोहन सर आप जिसकी भी क्लीनिंग करें, हीलिंग करें, उसके बाद में अपने आप को आप, मतलब मेरे को नहीं पता आप किसकी किस चीज के लिए करेंगे. ठीक है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए. ठीक. गीता के 7वें अध्याय एंड वल्गा सूत्र से. ओके राइट आई विल डू दैट मैम. थैंक यू. ओके मैम क्या करना है? ये 7वें अध्याय को लिखना है या क्या करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के? मैम आपको लिखना है. लिखना है ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन मैम? जैसे उसको एक बार ही लिख के फिर उसकी एनर्जी उठानी है. आप तो अच्छी तरह से उठा चुकी हैं मैम. एक बार वल्गा सूत्र की भी उठाई थी आपने. आई स्टिल रिमेंबर. हाँ जी. नहीं मैम उसके बाद भी मैंने बहुत बार उठाई. गुड गुड. हाँ बहुत बढ़िया. ठीक है चलें जी. मैं एक बारी डॉक्टर साहब से बोलती हूँ जरा, वो एक दो क्वेश्चंस जो भी हैं आंसर कर लें और फिर राइट. जस्ट अ सेकंड.
जी सॉरी मैम, मुझे एक बात पूछनी थी. वो जो दो तीन लोग हैं जो कोविड प्लस है, तो उनको अगर मीटिंग में लेकर आना हो तो कब लेकर आए? मैम ये मीटिंग चल रही है, आप कल इसी टाइम पर बुला लीजिए उनको. हाँ, या तो कल बुला लीजिए या आज शाम को 4 बजे करीब. बट ये कि एक साइजेबल ऑडियंस हो तो ज्यादा बेटर है, मतलब सब लोग एक टाइम पर अपने अपने लोगों को कनेक्ट कर लें. हाँ, तो उससे ज्यादा आसानी हो जाएगी. ठीक है और हमें पहले इंटीमेट कर दें प्लीज कि हमें 2 घंटे पहले पता हो कि नहीं, आपको कितने नहीं लोगों मैं 4 बजे कर दूंगी, ये कंफर्म है, मैं 4 बजे कर दूंगी उसको. ठीक है जी. तो आज का जो पार्ट हम रिवाइज करने के तौर पे बोल रहे हैं, पहला चीज है एक बेसिक प्रोटोकॉल. बेसिक प्रोटोकॉल में हमने बोला अपनी सोल सीट से दूसरे की सोल सीट की रिक्वेस्ट करना. दूसरा प्रोटोकॉल हमने बोला कि जो ये विष्णु कमांड जो है, अगर कहीं भी हम ये सेंस करते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी है स्कैन करने के तौर पे, तो वहां पर हम विष्णु कमांड बोल रहे हैं. तीसरी है जो कमांड अभी जो है ये ग्रुप में शेयर करी है सविता जी ने, और मैंने भी वो इमेज शेयर करी है. ये D6 की PPT में लास्ट में लिखी हुई है ऑर्डर ऑफ कमांड. इस ऑर्डर ऑफ कमांड के बबाद में जो है इसको हमें 9 times बोलना है, या जितने भी लोग जो कोविड पॉजिटिव है और उनके पास कोई और हीलिंग सपोर्ट नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन वो इस कमांड को 9 times बोलेंगे तो ही उनकी बीमारी जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी. तीसरी चीज हाउ टू डू हीलिंग, तो उसके लिए SCEBM ऐसे करके ये 5 parts का हमारा पूरा अप्रोच है. तो ये अभी डॉक्टर आरती ने आप सब लोगों को बताया. कोई और जो क्वेरी तो किसी का कोई और क्वेरी? I have one. जी प्लीज. सी नॉर्मली वी कीप राइटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एवरीबॉडी वुड हैव अक्युमुलेटेड दीज राइटिंग्स, यू नो श्रीम बीज और श्रीम समथिंग, एनी ऑफ दोस राइटिंग्स. राइट. नाउ इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, कैन वी लिफ्ट दैट और फ्रेश इज रिक्वायर्ड? So we can lift from that. Okay, fine. Just want to so, ये जितनी भी शीट्स है हमारी, अब अगर हमने सिर्फ श्रीम बीज लिखा है, and if we keep these श्रीम sheets in the east direction of our house, तो हमारे हाउस का ईस्ट डायरेक्शन का जो एनर्जी है वो इम्प्रोवाइज हो जाता है. तो हर एक डायरेक्शन का मैंने वो शेयर करा था इनपुट कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा बीज मंत्र यूज करने से कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है. तो वो हमारा, बट श्रीम इज अ यूनिवर्सल बीज मंत्र, इट हेल्प्स इन ऑल द डायरेक्शन, वी कैन इवन पुट इट इन द सेंटर इवन. तो श्रीम का एक्यूमुलेशन जो है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, लेट सपोज आपको मार्केट जाना है, आपने एक शीट जिसपे अराउंड 2,000-3,000 times श्रीम लिखा हुआ है उसको फोल्ड करा, फ्रंट पॉकेट में रखा और आप अपना मार्केट का काम करके आ जाइए, आपको कोई इन्फेक्शन कैच नहीं करेगा. आपके घर में कोई एंट्री कर रहा है, आप डोर में अपने जो है उसकी बैक साइड में एक एनवेलप में श्रीम बीज लिखिए और रख दीजिए. आप देखेंगे कि जो व्यक्ति घर के दरवाजे से अंदर भी आएगा वो घर के अंदर इन्फेक्शन नहीं ला पाएगा, बिकॉज दरवाजे पर ही आपने जो है एक तरीके का एयर कर्टन लगा दिया. तो जिससे कि जो भी इन्फेक्शन है वो दरवाजे के बाहर रहेगा, दरवाजे के अंदर नहीं आएगा. तो ये जो एक्यूमुलेटेड शीट्स है इनका घर में एक्यूमुलेशन घर में पॉजिटिविटी लाता है. किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को या तो ये 100% रोक देगा या उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देगा. ओके. ये इन शीट्स का बेनिफिट है. I made a small different kind of a thing. I just show it to you. Right. Small one which could be pocketable. But it gets only 81 numbers. Not the one which you have. I'll just show it to you. See, number is just a belief system. See, this I... You're able to see it, right? Ha. Bilkul complete. This one, A9981. These are small, you can tearable. Right. Places. Right, and then keeping it. You want to keep wherever in pocket or anything. Perfect. I thought this is, suddenly I got an idea I can do like this. I made
quite a few numbers. So anybody, I want to ask them, you write and then keep it, or I will keep writing. So, but I can't do large numbers, but definitely small numbers, 81 are possible. ठीक है, ऐसा होता है कि लिखने का जो मतलब एक क्वांटिटी होती है जो पुरस्चरण के तौर पे कहलाती है. नंबर इज वेरी ह्यूज. सो पुरस्चरण जो है वो किसी भी बीज मंत्र का 1,25,000 होता है. 1.25 lakhs. या आई नो. अदरवाइज इट इज 1.25 lakhs पर अल्फाबेट इन ए मंत्र. करेक्ट. सो लेट्स सपोज गायत्री मंत्र इज विद 24 अल्फाबेट. सो 24 इनटू 1.25 lakhs इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ पुरस्चरण. या तो अब 24 lakh मंत्र का जाप करना, वो भी गायत्री मंत्र जैसा बड़ा जाप, वो तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं होता है. तो उतनी लार्जर क्वांटिटीज में उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसको स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये बीज मंत्र को 1,25,000 करने पर एक पुरस्चरण होता है. अगर हम 24 lakh का गायत्री पुरस्चरण लेकर चल रहे हैं तो मैक्सिमम एक आदमी पूरी जिंदगी में 9 पुरस्चरण कर सकता है. Whereas in our case, if a person makes a habit of writing 3,000 times daily any Bij Mantra, in a 360-day span, he'll be doing 9 Purascharan. Agar wo 3,000 baar roj likhta hai toh. Correct. 3,000 baar roj likhne ka matlab hai, it takes about 90 minutes on a daily basis. So 45 minutes morning, 45 minutes evening. Is what the time it takes. बट उसके इम्पैक्ट ये है कि घर में नेगेटिविटी किसी भी रीजन से हो, चक्रा में नेगेटिविटी हो, आपका जो ये प्लैनेटरी पोजीशन जो है दशा अंतर दशा में गड़बड़ हो, या फिर जो घर का वास्तु एनर्जी है उसमें कोई दिक्कत हो, बट जब एक पुरस्चरण लिखा जाता है तो सारी चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाती है. तो अब जिस किसी व्यक्ति का जितना भी नेगेटिव एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, this process helps to reverse it out. Yes. Got it. ठीक है ना, तो इसलिए quantity important भी है, unimportant भी है. जी बताइए. मतलब ये मेरा doubt है belief में थोड़ा सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. आपने बोला जैसे हम लोग में stream, आपको पता है मेरे घर में भी stream, मैंने सब जगह लिखा हुआ है. कॉपी में भी लक्ष्मी मंत्र और डेली लिख रही हूँ. रात को सोते टाइम हाथों पर, दोनों हाथों पर हथेलियों पर 7 बार लिखकर सोती थी. और मेरा भी बिलीफ हमने हमारे दिमाग में घुसा हुआ था कि हमारे घर में कोरोना आएगा, नहीं आएगा तो बहुत हल्के में 2 या 3 दिन में चला जाएगा. लेकिन हमारे घर में सबसे सीवियर मैंने ही कैच किया है, बाकी लोग नहीं कर रहे, सब हल्के में ठीक हो गए. तो वहां मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कई बार, जो मैं परेशान हो रही थी उसका ये रीजन भी था कि मेरे को मतलब बहुत ज्यादा बिलीव था दिल से अंदर तक कि अगर आएगा भी तो वो बिल्कुल हल्के में निकलेगा, नहीं तो आएगा नहीं. और वो आया, ज्यादा आया, बहुत ज्यादा आया, अभी आपको भी पता है कितना आया. देखिये ऐसा होता है, एक बात आप अच्छी तरह याद करिए, मतलब ये एक क्या कहते हैं कि एक फिक्स्ड वो है. कभी भी किसी के घर में भी जब भी कभी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम उस पूरे घर की, उस घर की महिला के ऊपर आती है. अगर वो उस घर की महिला पर नहीं आएगी तो वो उस घर की बेटी के ऊपर आएगी. अगर वो उस घर की बेटी पर नहीं आएगी तो वो जो उस घर की बहू है उसके ऊपर आएगी. जब इन तीनों के लेवल से बढ़ जाती है प्रॉब्लम तो घर में हस्बैंड के ऊपर और बेटे के ऊपर आती है. मैं समझा पाया मेरी बात? नहीं, पूरी तरह नहीं समझ में आई. ये तो हम लोग सुन पाए हैं, लेकिन अभी इसको कैसे समझे? हाँ, मैं बता रहा हूँ. जब कभी ये इस मतलब स्त्री और पुरुष में जो संबंध होता है वो बीज और भूमि का होता है. फर्स्ट लेवल कॉन्टेमिनेशन जब भी होगा भूमि के लेवल पर होगा, बीज पर बाद में जाएगा. बीज हमेशा भूमि की प्रोटेक्शन में ही होता है. तो आपके ऊपर बीमारी इसलिए आई क्योंकि आप अपने हस्बैंड को या बच्चों को प्रोटेक्ट करने के तौर पे चले गए. अगर वो आपके लेवल से हटती तो जितनी आपकी तबीयत खराब है उतनी आपके हस्बैंड की होती. तो हमारे यहाँ जब कभी जो प्रक्रिया है उसमें हम जब वो फेरे के टाइम पे संकल्प वगैरह करते हैं तो हम धर्म के मार्ग पे पहले खुद होते हैं फिर पति पीछे आता है.
उसका ऑब्जेक्टिव जो बात है वो ये है कि ये प्रक्रिया है जिसके तौर पे हम इसको लेकर चल रहे हैं। और आप क्या तो कर, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है, तो उसको क्लीन करना, नजर दोष, नजर बहुत ज्यादा होना, दशांश जो है उसका ना करना, ये बहुत सारे रीजन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये जितने भी रीजन है ये एक्यूमुलेट तब होते हैं जब हमारी दशा अंतरदशा वीक चल रही होती है। तो जब कभी उस प्रे भी यही करती थी कि भाई तुम किसी को भी हो तो मेरे को ही हो जाए, तुम सब में से शायद इसलिए मुझे ज्यादा हुआ। तो जब आप खुद ही एंटीना मजबूत करके रिसीविंग दे रही है कि हाँ भैया तू मेरे पास आंसर कर दिया, तो भारती मैम आपको बिलीव मी आपको उतनी तकलीफ नहीं हुई है विद द ग्रेस ऑफ गॉड जितनी लोगों को हम देख रहे हैं। हम तो हील कर रहे हैं ना, तो पता चलता है कितनी सिवियर प्रॉब्लम्स, कितनी सिवियर। विद द ग्रेस ऑफ गॉड उतनी भगवान ना ही करे कभी हो भी किसी को, राइट? बहुत माइल्ड ही हुआ आपको, ये माइल्ड था, सोचिए सिवियर कैसा होता है, ठीक है? माइल्ड बहुत था तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप जो है ना कभी भी मन में जब बात लाएं किसी भी चीज के लिए, आपको ये बोलना ही नहीं है कि ये आ ही नहीं सकता, बस इतने पर ही फुल स्टॉप लगना चाहिए। ये जो सेकंड लाइन हम डाल देते हैं ना, तो बस समस्या उसी सेकंड लाइन से आती है। जब हम बिल्कुल कंफर्म होते हैं ये हो ही नहीं सकता, तो फिर वो नहीं होगा। एक बार क्या हुआ था, मैं शादी के शुरुआती टाइम की बात है, शादी हुई थी उसके शायद एक साल के बाद नन्नी हो गई थी, नन्नी भी शायद दो चार महीने की थी, तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, वो बच्चे को निला रही थी, तो निलाते नहलाते उसके मुंह में सोप वाटर चला गया और उसकी गर्दन लुढ़क गई एक तरफ को। अब मेरे घर के मुश्किल से 200 मीटर पर जो है एक हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, तो मेरी सिस्टर उसे लेके बच्चे को हॉस्पिटल भागी। तो मैं अपने ऑफिस के काम से कहीं गया हुआ था, तो मैं इत्तेफाक से घर पर आया तो देखा आरती बार गेट पे ही खड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया, ऐसे कैसे रोती हुई सी अजीब सी हो? तो उन्होंने बोला कि वो नन्नी की गर्दन लुढ़क गई है और वो उसके गले में वो पानी वानी चला गया है। मैं अच्छा ठीक है, चला गया तो चला गया, ठीक हो जाएगा। तो बोले तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा मेरा बच्चा आकर दुनिया से चला जाए और मुझे पता ही ना चले, कैसे पॉसिबल है? कोई दिक्कत छोटी है तो अगर छोटी मोटी दिक्कत है आ गई तो आ गई, इसमें कौन सा फर्क पड़ता है, बड़ी दिक्कत तो आ ही नहीं सकती। तो हमारे को ना अपने विचारों में एक शील्ड खुद ही लगानी होती है, दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी मेरे तक आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। ये सोल सीड जो है ना, ये इतना पावरफुल टूल है, ये पता तो मुझे अब चला है लेकिन मुझे नहीं पता मेरी सबकॉन्शियस में ये कब से एक्टिवेटेड था। तो आपको अपने अंदर, हर एक के अंदर, अपने बच्चों में, देखिए हमें सबको नहीं पता कि हम कहाँ क्या कर पा रहे हैं, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है। आज आपने अपनी लाइफ में सारी जिंदगी स्ट्रगल कर लिया, कोई बात नहीं, अब आपको एक आइडियल क्या कहते हैं वो ग्रैनी वाले रोल प्ले को परफॉर्म करना है, नानी वाला जो रोल होता है ना, कि एक आदर्श नानी कैसे बनती है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करिए, इतना मजबूत तैयार करिए कि जब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो तो उनको पता चले कि उनकी नानी कोई हस्ती थी। हम लोग अपने जीवन चक्र में ना काम की चीजें भूल जाते हैं, ये काम की चीजें, बच्चों को स्पिरिचुअली सबसे स्ट्रांग बनाना, बच्चा किसी का भी हो डजंट मैटर, मेरे पास 5 मिनट को आए तो 5 मिनट के अंदर उसका जो सोल सीट है उसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, मुझे और ज्यादा सोचना और करना ही नहीं है। ये सोल सीट जैसी एक्टिव होगी, जब कभी उसका समय आएगा वो बहुत मजबूत काम करेगा बच्चा। तो बच्चों को बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और ये जिस तरीके का चीज चल रही है अभी तो आप कुछ भी नहीं, मैं तो कैसे एक्टिव करें, जैसे बच्चे अभी नहीं मानते हैं अभी अभी, तो आप सिर्फ जो है अपनी हीलिंग करिए और अपनी सोल सीट को मजबूत करिए। ये जितने भी स्टेप्स डॉक्टर आरती ने बताए ये घर में सबके लिए करिए, अपने लिए करिए,
जितनी जल्दी सबकी और घर की क्लीनिंग करेंगे उतना ये इन्फेक्शन घर से बाहर जाएगा। एक दफे बाहर जाए तो उसके बाद फिर अपना घर बिल्कुल इंटैक्ट कर लीजिए कि कहीं कोई चीज नहीं आनी है। मजबूती से क्लीनिंग करते ही चलिए, अपनी ऑरा को इतना बढ़िया करिए कि आसपास 2-4-5 किलोमीटर तक भी कोई नेगेटिविटी घर के आसपास नहीं आए, ठीक है ना? तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कोई उसकी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद ना क्या होता है, हमें दर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ही मजा आता है, उससे बचना चाहिए, ये बहुत वो है। ठीक है जी, थैंक यू, वेलकम जी। तो अभी हमने जो चीज कवर करी है आज, वो बेसिकली स्टेप्स और प्रोटोकॉल्स हैं। एक दफे आप लोग जो हमारी पीपीटीज थी उसके प्रिंटआउट्स को निकाल के दोबारा स्टडी कर लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब हमारे को हीलिंग क्लीनिंग पता चल गया है, कैसे डालना है एनर्जी वो पता चल गया है। अब हमें इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करना है अलग अलग लोगों के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनमें से किसको क्या दिक्कत है, कोविड पेशेंट है नॉन कोविड पेशेंट है। बस उसको जूम पर लाइए, स्टेप्स हम बताते जाएंगे, उनकी हीलिंग करिए हमारे सामने। जहां दिक्कत है हम उसके प्रोटोकॉल के रिवाइज कर देंगे, स्कैन करके बता देंगे, बेसिक्स जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरी है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बीज मंत्र लिखें, और ज्यादा नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट 81 तो लिखना शुरू करिए। मेरे को मोहन जी का एक तरीका पसंद आया कि भाई ज्यादा नहीं कर सकता पर कम तो कर ही सकता हूं ना, तो कम तो रेगुलर लिखिए, ब्रेक मत करिए बस। मतलब आज का दिन बिना लिखे निकल जाए ये नहीं होना चाहिए,